सो गाइज, क्या आप भी अपने टीम के एक नेडर हो, बट आपके नेड से कोई भी एनिमी किल नहीं होता है, या फिर जब भी आप जो है ग्रेनेड कुक करते हो तो एनिमी वहां से भाग जाता है, या सबसे मेन प्रॉब्लम जो नेड है उससे आपका डैमेज बहुत ज्यादा कम आता है। तो गाइज, अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो अब से वो नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इन सारी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो गाइज, इस वीडियो से पहले भी मैंने काफी सारी जो है क्रेजी ग्रेनेड के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स डाल रखी है, तो उन्हें भी जाकर के जरूर से चेक कर लेना। और अगर आपके किसी फ्रेंड को जो है ग्रेनेड चलाना सीखना है तो उसको भी जरूर से वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट टिप के अंदर मैं आपका एक मेन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, वो है कि ग्रेनेड का डैमेज कम आता है। तो गाइस, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ग्रेनेड का जो स्किन है ना वो यूज नहीं करना है। अब देखो, काफी सारे बंदे ये बोलेंगे कि ग्रेनेड की स्किन यूज करो चाहे ना करो, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन इससे फर्क पड़ता है, मैंने खुद एनालिसिस करके देखा है। जितना मैंने ग्रेनेड यूज किया है, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि ग्रेनेड का स्किन यूज करने पे डैमेज कम आता है। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप ग्रेनेड का स्किन मत यूज करो, इससे क्या होगा कि आपका ग्रेनेड का डैमेज बढ़ेगा, आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। टिप नंबर 2 के अंदर आपको स्काइलर रिएक्टर का यूज करना पड़ेगा। ये आपके तब काम आएगा जब ना एनिमी ग्लूवल के पीछे होगा, तब आपको इसका यूज करना। चलिए मैं आपको क्लिप के साथ बताता हूँ। देखो गाइस, यहाँ देख सकते हो एनिमी जो होता है वो ग्लूवल के पीछे होता है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, ग्रेनेड कुक करता हूँ और थ्रो करते ही मैं यहाँ पे स्काइलर का यूज कर देता हूँ, जिससे ग्लूवल फूट जाता है और ग्रेनेड से यहाँ पर एनिमी किल हो जाता है। आई होप कि आपको ये वाला टिप इजीली समझ में आ गया होगा। तो गाइस, अगर आप स्काइलर का यूज करते हो तो ये टिप आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब एनिमी ग्रेनेड करेगा तब आपको कैसे बचना है। देखो गाइस, जब भी एनिमी के हैंड में आपको ग्रेनेड दिखे या फिर जो ये फायर वाला मार्क आता है, अगर ये दिखे तो आपको समझ जाना है कि एनिमी ग्रेनेड कर रहा है और वहां से निकल जाना है। और यहाँ देख सकते हो मैं कितनी इजिली यहाँ पे जो है एनिमी के ग्रेनेड से बच जाता हूँ। आई होप कि आपको ये वाला ग्रेनेड वाला टिप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। सो गाइस, अभी मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूँ। देखो गाइस, आपने कभी कभी देखा होगा जब भी आप ग्रेनेड कुक करते हो तो सामने वाले एनिमी को पता चल जाता है कि आप ग्रेनेड कुक कर रहे हो और वहां से वो निकल जाता है और यहाँ पर आपका ग्रेनेड जो है वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये करना है कि जो ग्रेनेड कुक करोगे ना, आपको बैठ के कुक करना है। इससे क्या होगा, जो ग्रेनेड का साउंड होगा ना एनिमी के पास बहुत कम जाएगा और एनिमी को पता नहीं चलेगा कि आप ग्रेनेड कुक कर रहे हो और आप बहुत ही इजिली उस पर ग्रेनेड कुक करके उसे बहुत इजिली किल कर दोगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट गाइस, मैं आपको डबल डाउन ट्रिक बताने वाला हूँ। इसके अंदर आपको ये करना है कि जो एनिमी होगा ना उसके साथ साथ आपको खुद को भी फोड़ लेना है। देखो, ये आपको तब ट्राई करना है जब एनिमी आपके बहुत ही ज्यादा क्लोज में होगा या फिर जो है लास्ट एनिमी बचा होगा, तब आपको ये करना है। देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इस क्लिप में मैं नेड करता हूँ और एनिमी मेरे बहुत ज्यादा क्लोज में आ जाता है और मैं उसके साथ साथ खुद को भी यहाँ पे फोड़ देता हूँ। तो आई होप कि आपको ये वाला टिप भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अपने लास्ट टिप की ओर। तो दोस्तों, आज की वीडियो की लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है और यहाँ पर आकर के ग्रेनेड की प्रैक्टिस करना है। देखो गाइस, आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप ग्रेनेड में परफेक्ट हो जाओगे। देखो गाइस, मैं भी रोज जो आधा घंटा आकर के ट्रेनिंग ग्राउंड में ग्रेनेड का प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं भी आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप कम से कम आधा या एक घंटा तो रोज दो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो की सारी टिप्स जो है मैंने आपको बता दी है। तो गाइस, अगर आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम रह जाता है या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस, आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। लेकिन उससे पहले गाइस, सारे बंदे जाकर के वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और याद से अपने फ्रेंड्स को जोर से वीडियो को शेयर कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।